तो हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है कॉमिक न्यूज के एक तड़कती फड़कती वीडियो में, जहां हम कवर करते हैं एनिमे जगत की न्यूज को। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो गाइज, हमारी पहली न्यूज आती है जुजुत्सु काइजन सीरीज से। तो जुजुत्सु काइजन सीरीज के अंदर जो गोजो सातोरू के वॉइस एक्टर है युची नाकामुरा, उन्हें अपनी एक गलती की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने GTA 5 स्ट्रीट ग्रैफिटी रोल प्ले के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक फीमेल प्लेयर को लेकर एक सेक्सुअल जोक पास करा था, जैसे कि लुक इनसाइड योर स्कर्ट, जिसे कि एक मीडिया ने कवर करा था, जिसके बाद उन्हें काफी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस का गुस्सा सहना पड़ा था। जिसके बाद से ये यूमर्स भी उठने लगे कि जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के दौरान इन्हें गोजो के वॉइस एक्टिंग से हटाया जाएगा, जहां हमारी अगली खबर भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि सोलो लेवलिंग 2024 का मोस्ट हाइप एनिमे है, जिसके अब तक टोटल 7 ही एपिसोड आए थे, जहां इसका आने वाला एपिसोड नंबर 8 डिले हो चुका है, जो कि सीधा 2 मार्च को आएगा। जहां रिसेंटली इसका एक रिकैप एपिसोड रिलीज करा गया था, जिसका नाम था 7.5, जिसमें एपिसोड 1 से लेकर 7 तक का पूरा रिकैप था, जहां फैंस आर होपिंग कि इसके और एपिसोड डिले ना हो, क्योंकि इसी तरीके से एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एनिमे ZOM 100 भी खत्म हुआ था। तो इसी के साथ हमारी अगली खबर होने वाली है सिंगल लॉन्डो के लिए। तो रेंट अ गर्लफ्रेंड के मांगा राइटर डीजी मियाजिमा की एक मांगा था शिंजो फैमिली को एक एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है, जहां ये मांगा 2 ब्रदर और 5 सिस्टर के बारे में है। तो गेट रेडी फॉर सम मोर। बाकी अगर तुम एक फन फैक्ट बताऊं तो पूरा रेंट अ गर्लफ्रेंड एनिमे कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये सब उसके राइटर के साथ असलियत में हुआ था। बाकी बढ़ते हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज आती है वन पीस लाइव एक्शन से। तो 5 फरवरी 2024 को किड्स स्क्रीन अवार्ड्स ने अपने कुछ विनर्स को अनाउंस करा, जहां वन पीस लाइव एक्शन ने बेस्ट डिजाइन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैटेगरी में और बेस्ट इन द क्लास ऑफ टीन्स में 2-2 अवार्ड्स को जीता, जो कि सच में एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और ये वन पीस लाइव एक्शन वही कर रही है जो कि इसे करना चाहिए, और वो है वन पीस को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाना। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज आती है निंजा कामोई एनिमे से, जहां अब तक इस एनिमे के टोटल 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो कि तीनों के तीनों कमाल के हैं। जहां इस कमाल के एक्शन एनिमे के पीछे हाथ है संगुपात और उनके E&H स्टूडियो का, एंड एज एक्सपेक्टेड इसके एक्शन सीक्वेंस का नंबर काफी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि संगुपात इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर JJK सीजन 1, JJK जीरो मूवी और गॉडेस ऑफ हाई स्कूल जैसे लेजेंडरी एनिमे को एनिमेट कर चुका है। तो गाइज, हमारी अगली खबर आती है वन पीस एनिमे से, और अगर तुम भी एक वन पीस एनिमे के फैन हो तो तुम्हें भी अब खुश हो जाना चाहिए। तो बेसिकली नेटफ्लिक्स ने 15 फरवरी से वन पीस स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, वन पीस फिल्म जेड और वन पीस एपिसोड ऑफ चॉपर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया है। बाकी अगर तुम भी एक इंडियन एनिमे फैन हो और तुम्हें भी हिंदी डब्ड एनिमे पसंद है, तो मेरी अगली न्यूज सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगे, क्योंकि अब नारुतो, नारुतो शिपुडेन, ब्लैक क्लोवर और डेमन स्लेयर जैसे एनिमे को हिंदी में डब्ड किया जाने वाला है। और हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एयरटेल इंडिया ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक ट्रेलर रिलीज करा है, जहाँ इस चैनल का नाम होगा एनिमे बूथ, और ये पूरा चैनल पूरी तरीके से डेडिकेट होगा एनिमे के लिए, जिस पर 24 घंटे एनिमे को स्ट्रीम करा जाएगा। इसी के साथ चलिए बढ़ते हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जिबली स्टूडियो का जो एनिमे थीम पार्क है, जिसे कि जिबली पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि नवंबर 2024 को ओपन हुआ था, उसमें एक नए हिस्से को ऐड किया जा रहा है, जिसका नाम है वैली ऑफ विचेस, जो कि इंस्पायर होने वाला है हाउल्स मूविंग कासल मूवी से, जो कि एक मास्टरपीस मूवी थी। जहां इस पार्क की मार्केटिंग के लिए जिबली स्टूडियो ने अपना खुद का एक एनिमेटेड एड बनाया है, जिसे खुद स्टोरी बोर्ड कर रहे हाओमी मियाज़ाकी, जो कि स्पिरिटेड अवे और द बॉय एंड द हीरोम जैसे लेजेंडरी एनिमे को एनिमेट कर चुके हैं। बाकी आज के लिए कॉमिक न्यूज में इतना ही। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि हमारी एनिमे कम्युनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।